तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए मैक्रोज फंक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन को समझेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में डेट एंड टाइम फंक्शन को समझ लिया। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा आता है, वो आता है इंफॉर्मेशन फंक्शन। अब देखिए, इंफॉर्मेशन फंक्शन को नॉर्मल एक्सेल में यूज नहीं करते हैं, हम वीवीए के यूजुअल फॉर्म में इसका यूज करते हैं। जैसे यूजुअल फॉर्म आया, उसमें आप चाहते हैं कि जब हम टाइप करें क्या बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, अगर हम नंबर टाइप करें या टेक्स्ट टाइप करें तो ब्लैंक ना हो तो इजी एडमिट लगा देते हैं। उसमें डेट डालना चाहिए, इस डेट से उसको चेक कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन तो चेक करने के लिए होता है कि सही एंट्री है या नहीं। जैसे हमने आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि हमारी जो फाइल है वो फाइल एक पर्टिकुलर पीसी ही ओपन कर सके, कोई और ओपन ना कर सके। याद होगा सर, इवेंट मैक्रो याद है नहीं सर? हेलो, क्या सर? एनवायरनमेंट के बारे में बताया था सर मैंने आपको। हाँ सर, वो एक क्वेश्चन था सर, आपने इवेंट मैक्रो में पढ़ा था। हाँ, इवेंट मैक्रो क्या पूछना चाह रहे थे सर? हाँ सर, आपसे लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट की थी, जैसे आपने कहा था कि हम चाहते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे ना चले, इसी सिस्टम पे चले फाइल वाली, तो क्या करना है मैं बताऊंगा आपको आगे। तो कैसे यूज करेंगे सर? आप चाहते हैं कि आपकी एक फाइल दूसरे सिस्टम पे ना चले ना? नहीं, मतलब पर्टिकुलर सिस्टम पे चले बाकी पे ना चले। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब कि फंक्शन पहले आपको सिस्टम नेम, देखिए कंप्यूटर दो चीजें हैं, एक होता है यूजर नेम। अब एक कंप्यूटर में सारे यूजर होते हैं ना? यस सर। तो यूजर नेम से अगर करना चाहे तो किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन कीजिए। मैंने ओपन किया, विजुअल बेसिक पे गया और हमने इसके वर्कबुक में हमने यहाँ पे ओपन लगाया, राइट? जी सर, यहाँ ओपन आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ इफ नहीं, पहले हम यहाँ पे डिम आई एज ए या यू मैं U इक्वल टू जो ए फॉर्मूला था एनवायरनमेंट का, हाँ इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसमें हम डॉलर साइन लगा देंगे और इसमें हम दे देंगे यूजर नेम। अगर मैं आपको समझाऊं कि ये यूजर नेम क्या करेगा, तो अब इसको एक अलग माइक्रो में आप रन करके देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट फॉर्मूला अभी जो हम लगा रहे हैं इसका क्या रोल होगा। मैसेज बॉक्स में देख लीजिए, क्या को सर? जी दे रहा है, यूजर ने मार्क बता दिया। तो आप यहां पे लगाएंगे कि इफ बी इक्वल टू, केस सेंसिटिव होता है इसका ध्यान रखिएगा। ओके जी, नहीं यहाँ यू जी सर, यू आई यू दे D equal to not equal to then than message MSG box are not yeah, you are not eligible for this, right? जी
और यहां पे हम कर देते हैं एडिट, एडिट वर्कबुक डॉट क्लोज और यहां पे समझ गए जी सर। तो ये आपके यूजर नेम से होगा। तो अब जैसे कंपनी क्या होता है कि डोमेन होता है ना सर जी सर। तो अब अपने डोमेन से कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं ना जी सर। लेकिन बात आती है कि हाउ कैन नो द पीसी नेम सर, कंप्यूटर नेम। हाँ कंप्यूटर नेम। मैं चाहता हूँ सर वहां पे ये सर क्या बोलते हैं सर यूजर नेम की जगह यहाँ पे वो डाल देंगे कंप्यूटर नेम। आप एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है। यूजर नेम तो किया है, पीसी नेम नहीं किया है। तो मैं एक काम करता हूँ कंप्यूटर नेम डाल देता हूँ, देखता हूँ। हाँ ठीक है। यस सर। पीसी नेम दिया था वहां पे कंप्यूटर नेम दिया। यस सर। क्लियर है। तो इंफॉर्मेशन फॉर्म आपको यही प्रोवाइड करती है, इज डेट, डेट है नहीं, एमपीटी एरर ब्लैंक है या नहीं, इज एरर एरर है या नहीं, इज नल ब्लैंक है कि नहीं, और इज ग्रेरी नंबर है या नहीं। ठीक है सर। इनका यूज, क्या बोलना, इनका यूज कैसे करेंगे वीबी के यूज अंदर? बेसिकली हम लोग यूजर फॉर्म पे करते हैं। तो आगे हम यूजर फॉर्म पे, अभी तो आपको एनवायरनमेंट के बारे में यूज करना बता दिया ना सर, क्योंकि एंड पे यूज होते हैं जरा। ओके तो एक का यूज मैंने आपको बता दिया कि आप फाइल ओपन करते समय चेक करवा लो, उसके बाद ओपन कर दे दो। ऐसे ही एक किसी ना किसी इवेंट पे होता है, तो इसका यूज हम लोग यूजर फॉर्म में ज्यादा करते हैं। ओके। और फाइनेंशियल फंक्शन तो नॉर्मल जो एक्सेल में पढ़ा था वही है, कोई नया वीवीए का नहीं, पर एक्सेल वाला है। अब इसमें एक डायरेक्टिव फंक्शन है जिसमें आपका चेंज डायरेक्टिव फोल्डर है, ड्राइव है, करेंट डायरेक्टिव पाथ है। अब करेंट डायरेक्टिव का यूज करते हैं समझे, इसलिए कि मान लीजिए कि मुझे माना है कि इस फाइल को सेव करें, तो मैंने यहां लिखा कि एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव है। सेव है। और अगर मान लीजिए कि मैंने मुझे मान लीजिए कि हर बार मुझे इसको जो है किसी लोकेशन देना पड़ेगा सेव करने के लिए ना। यस सर। अगर मान लीजिए मैं जी ड्राइव दे दी, जी ड्राइव, और यहां पे 123.xlsx, तो क्या एक कोड हर पीसी पे वर्क करेगा? नहीं नहीं सर, क्योंकि क्यों नहीं करेगा कि किसी का जरूरत नहीं होगा तो। हाँ, जो लोकेशन आप चाहते हो, लोकेशन ना हुआ तो आपको नहीं पता किस ड्राइव में क्या है, तो आप माई डॉक्यूमेंट को निकालोगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे एक्ट, यहाँ पे देंगे CURPAT पार्ट। समझ गए। और इसमें हम एंड स्लैश एंड 123.xls, ठीक है। ठीक है, करंट पाथ का स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? सी और पास नहीं, सिर्फ डी आई आर होगा। इसकी करंट डायरेक्टरी मतलब कि जो एक्सेल फाइल के अंदर आप देखेंगे
यहाँ एक्सेल ऑप्शन में, एक्सेल ऑप्शन में जो सेव में यहाँ पे सेट होता है ना जी, ये ला के देखिए, ठीक है। आपका हमने आपको DIR फंक्शन बताई चुका था, फाइल डेट एंड टाइम बताई चुका हूं, फाइल लेन बताई चुका हूं, तीन फंक्शन बता सर, फाइल डेट, सर फाइल डेट टाइप, डेट एंड टाइम, फाइल डेट टाइम, फाइल कब बना है, कब क्रिएट हुआ है, नहीं व्हेन द फाइल क्रिएटेड और लास्ट मॉडिफाइड, यस सर ये नहीं बताया सर, आपका फाइल की साइज बाइट में बताता है, और गेट एट्रू यहाँ पे लिखा है गेट ATR एट्रीब्यूट, मतलब कि क्या बताता है, ये बताता है आपको कि आपका फाइल रीड ओनली तो नहीं है, आपका फाइल ये चेक करता है एट्रीब्यूट। इसका एक बार याद होगा हमने आपको बताया था कि फॉर्म सेंडिंग फॉर्म में थोड़ा बताया था कि एक बार आपने एक फॉर्म बनाया था उसमें डेटा डालते थे सेंड करते थे तो वो एक पीसी में, एक पीसी में एक लोकेशन का फाइल खोलता था उसमें डेटा को अपडेट कर देता था, याद है सर? हेलो सर, पीसी में जैसे सर, अभी तक तो सर अभी तक तो एक ही मतलब वो बनाया था कुछ फॉर्म टाइप का, वो भी बेसिक का। हाँ तो उसी में हमने बताया था आपको कि हम जो है अपने डेटा को नेक्स्ट मैंने एक वाले एक सीट से दूसरी सीट पे डेटा भेजते थे, दूसरा था yes, sir. एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा को भेजना। सर ये नहीं बताया, बताया होगा नहीं बताया सर, सब कुछ सेम ही होता है, बस फाइल ओपन करा देते हैं, उसी में फाइल ओपन करने से पहले अगर ठीक है, उसकी मैंने कल ही क्लास ली है, उसकी वीडियो भी अभी आपको रेफर कर देता हूँ। उसने क्या था कि अगर हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल हमारा रीड ओनली नहीं होना चाहिए, अगर रीड ओनली है तो डेटा तो नहीं डाल पाएगा ना सर जी, तो पहले हमें चेक करना होता है कि फाइल रीड ओनली तो नहीं है, तो एक गेट आपका गेट एट्रीब्यूट बताता है कि रीड ओनली है या नहीं है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं, ठीक है सर। इसका यूज हम आगे यूजर फॉर्म जो बनाएंगे वहां पर बताएंगे, मैं एक डायरेक्टली आपको बता ही चुका हूं, और सेट इसे हाइड और अनहाइड करना है तो सेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जो कोई फाइल हाइड करनी है अनहाइड करनी है उसे यूज करते हैं। ये आपका सर एक बार आना सर, ऊपर एक बार इसी में ही सर, ये जो CHDR है किसे से यूज इन द करंट वो डायरेक्टरी या फोल्डर, क्या बोल इसकी बात कर रहे हैं आप? फर्स्ट सेट कर रहा हूं सर, जैसे CHDR जो फर्स्ट इसको हुआ है, हां जैसे कि गेट एट्रीब्यूट बताता है कि फाइल रीड ओनली है या हाइड है या अनहाइड है वगैरह वगैरह, तो मान लीजिए किसी फाइल को आपको हाइड कर दिया हुआ है तो उसको अनहाइड, अब रीड ओनली को तो नहीं हटा सकते ना, क्योंकि जब तक खोज नहीं होगी तब तक रीड ओनली थोड़ी आ जाएगा। हाँ किसी ने ओनली मार्क कर दिया है प्रॉपर्टी में जाकर, अगर किसी ने फाइल की प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे इसने रीड ओनली मार्क कर दिया तो ये आपको हटा देगा, मार्क कर दिया तो इसने हटा देगा, ये एट्रीब्यूट यही काम करता है सेट एट्रीब्यूट। लेकिन अगर सिर्फ बताएगा या सिर्फ सेट करेगा, सेट इसका हम बताएंगे आपको, इसमें यूजर फॉर्म पढ़ाएंगे मैं, उसमें सब बताएंगे। उसके अलावा कुछ और फोल्डर यूजर फॉर्मूले है, चलिए उसके बारे में बात करें। आपने मेक इसमें क्या बोलते हैं MKDIR तो जानते ही है, MKDIR फोल्डर का फोल्डर बनाता है, ये मैंने आपको भी बताया था। यस सर, एक आता है आपका फाइल कॉपी,
फाइल कॉपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब कि मुझे अगर अपने फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना, जैसे मान लीजिए इस वेब डेटा को एफ ड्राइव से कॉपी करना है जी ड्राइव, ठीक है, तो पहले सोर्स दिया डब्लू डेटा कॉमा डेस्टिनेशन दिया कि ये हमारा एफ ड्राइव जी ड्राइव में, मैंने बोला कि जी ड्राइव में डब्ल्यू की जगह पे मैं करता हूं आर डेटा हो जाए, इसको रन करूंगा तो देख क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड। अच्छा, इसमें हमने गलती क्या की है, हमने इसमें इसका एक्सटेंशन नहीं लगाया, अब इसको मैं रन करूंगा तो देखिए आ गया सर जी में अपडेट आ गया। ऐसे मुझे मान लीजिए कि फाइल की नेम चेंज करनी है, मैं इस आर डेटा को, जब आर डेटा को चेंज करना चाहता हूँ के डेटा के नाम से। हेलो सर, इसने फाइल कॉपी किया या फोल्डर? फाइल कॉपी है, फोल्डर कॉपी नहीं है सर। ओके, वो सर मुझे फोल्डर कॉपी करना हो तो पूरा फोल्डर कॉपी करना है तो उसके लिए फिर वो अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग करना पड़ेगा, सिस्टम स्क्रिप्टिंग लेना पड़ेगा। तो सर बताओ ना एक बार, सर वो अदर एप्लीकेशन के फिट ही बताऊंगा अभी नहीं। ओके, फाइल नेम अगर करते हैं तो फाइल नेम में ये बताएगा कि ये जो है एज ए, जो अभी लिखना पड़ेगा एज ए, ठीक है, तो फाइल को रिनेम करने का ऑप्शन है, हो गया, तो फाइल को कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इसी फाइल को रिनेम करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बात आती है कि किसी फाइल को डिलीट करना, हम चाहते हैं कोई फाइल हमारा डिलीट हो जाए, समझे सर? ओके, डिलीट क्या होता है? हेलो, पता है सर क्या होता है? किल क्या? आप बोले थे ना इसकी फोल्डर कॉपी करने की ना? जी सर। तो उसके लिए जो है इस तरह से आप कमांड, लेकिन इसको विदाउट वीवी हम नहीं करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एक फोल्डर कॉपी कमांड, फोल्डर कॉपी नहीं, इसमें हमें लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट फाइल, फाइल डायलॉग तो अलग चीज होता है, फाइल कन्वर्टर है, फाइल सिस्टम नहीं, फाइल सिस्टम नहीं, फाइल डायलॉग है, फाइल कन्वर्टर है, फाइल वेरिएशन है, फाइल कन्वर्टर, फाइल डायलॉग में देखते हैं क्या है।
नहीं इसमें डिलीट नहीं है, इसको डिलीट करने के लिए फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए आपको फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा और फिर फिल्टर को कॉपी करेगा। अदर एप्लीकेशन बताऊंगा सर जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करना सिखाऊंगा तो ओके ठीक है, वो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है अभी सीखेंगे, तो उस समय सिर्फ फोल्डर ही नहीं हर एप्लीकेशन को एक्सेस करना सिखाऊंगा मैं। ठीक है ये आपको स्क्रीन चीज आ गई ना, फोल्डर फाइल कॉपी करना, रिनेम करना। अब इसमें आता है कि मुझे सारे फाइल एक साथ डिलीट करना, सारे एक साथ डिलीट करने, उसका कोड हम लिखेंगे यहां पे। सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे किल, और जो पाथ होगा वो पाथ हम यहां पेस्ट करते हैं, लेकिन पाथ में हम किसी फाइल का नाम नहीं देंगे, लेकिन इसमें एरर आएगा तो आप यहां लिखेंगे ऑन एरर रिज्यूम, ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद तो कोई लाइन है ही नहीं, तो नीचे लिखिए ऑन एरर गो टू, वापस भेज देगा एरर होगा बिना लूप का काम सर। लेकिन जी ड्राइव में अगर मान लो किसी वर्ड की फाइल हुई तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना डॉट xlsm, सिर्फ एक्सेल की फाइल नहीं सिर्फ वर्ड की हो, हाँ चाहे एक्सेल की हो तो आप एक्सटेंशन दे दीजिए ना। हाँ वही 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 ठीक है जी सर। तो जो एक्सटेंशन किल भी सर वो ड्राइव थी तो नहीं डिलीट होता ना सर, क्या ड्राइव थी तो डिलीट नहीं होता ना, ओनली ड्राइव डिलीट। हाँ लेकिन फोल्डर डिलीट आप कर सकते हैं, जैसे आप आपके पास फोल्डर है कोई तो फोल्डर डिलीट करने का ऑप्शन होता है, जैसे मैंने लिखा किल और यहाँ पे हमने पाथ दे दिया और हमने बोला कि मेरा मेरा फाइल डिलीट ना हो लेकिन 123 नाम का फोल्डर है वो डिलीट हो जाए, वो डिलीट। कई सारे फोल्डर है, सारे फोल्डर डिलीट करें तो इसी मेथड का इस्तेमाल करें जो आपको मैंने ऊपर दिया है। ठीक है ओके सर। नहीं माफ कीजिए किल नहीं होता है सॉरी, ये यहां होता है आर एम डी आई आर, हाँ अब याद आया। ठीक है किल फोल्डर के लिए फाइल के लिए होता है, फोल्डर के लिए नहीं होता है। फोल्डर के लिए हम आरएम डीआईआर करते हैं, समझ गए। किल सर फाइल के लिए और आरएम डीआर है फोल्डर के लिए, फोल्डर के लिए ओके। बाकी फोल्डर पे हैंडलिंग के लिए हम जो है वो आपको स्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम को हम कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा, हम आगे क्लास में समझाएंगे ओके। और सर आपने ये जो लगाया है ओनर गो टू जीरो मतलब क्या था इसका? हमें फाइल के लिए अब डिलीट करना है लेकिन यहाँ पे कई सारे फाइल है ना, यस सर। तो अब प्रॉब्लम होगा कि इसको कंफ्यूजन, एक फाइल डिलीट करेगा कंफ्यूजन होगा, तो हमने क्या बोला इसको कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और नेक्स्ट में यहाँ पे लिख दिया ऑन एरर रिज्यूम गो टू जीरो, जैसे एरर आएगा ये ऊपर चल जाएगा। होगा क्या कि जैसे किल जब डिलीट करना शुरू करेगा तो इस फोल्डर में जितने भी फाइल्स है सबका लिस्ट आ जाएगा,
दिया है मैंने, लेकिन से हमें उसी को रिलीट करना है जिसके लास्ट में जिसमें एक ये लगा है। तो जैसे पहला फाइल देखा तो उसको डॉक फाइल मिल गया, तो वो डिलीट नहीं करेगा, एरर देगा। एरर देगा तो यहाँ पे ऑन एरर क्या करेगा, इसको स्किप करके आगे बढ़ेगा। अब ये क्या करेगा कि वापस इसको भेजेगा लूप की तरह। सर सर डॉट फाइल मिलेगी, सो जब तक एरर खत्म ना हो जाए तब तक वो लूप चलता ही रहेगा। सर एरर क्यों मिलेगा, जब जैसे हमने डॉट लगा के उसका एक्सटेंशन लगाया हुआ है कि हमने ये पर्टिकुलर फाइल, क्यों मिलेगा मैं समझाता हूँ कि इस फोल्डर में 10 फाइल है तो किल उसमें से इस छांट के डॉट एक्सलेस अलग नहीं करेगा, किल क्या करेगा कि पूरे फाइल का लिस्ट ले आए, सबसे पहले पूरे फाइल का लिस्ट ले आए, अब फिर वन बाय फिर वो पहले फाइल देखेगा, पहले फाइल लगेगा कि अगर ये डॉट एक्सलेस है तो इसको डिलीट। ओके अब ऑन एरर गो टू जीरो, ये क्या करेगा कि वापस वापस इसको चला रहा है, एक तरह से लूप की तरह काम करता है। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट और ऑन एरर गो टू जीरो जो हम लोग करते हैं लूप की तरह काम कि जब तक इसमें एरर मिलता रहे तब तक इसको रिपीट करता रहे। अगर इसके इस ट्रांजेक्शन में एक भी एरर नहीं है तो तभी एग्जिस्ट एग्जिट हो। आप ट्राई करके देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है। तो फंक्शन हमारा खत्म हुआ आज इस चैप्टर में। तो हमने वीवीए के मतलब कि हमने आपको वीवीए के तीन पार्ट बताए थे, मैक्रो जिसको हमने पहले खत्म किया, फिर हमने खत्म किया अपना फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजर फॉर्म। लेकिन यूजर फॉर्म से पहले हम कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गुजरना होगा एक अग्नि परीक्षा से। टेस्ट यार जी सर, डर क्यों गए? तो याद होगा हमने आपको एरर पढ़ाया था राजेंद्र जी। जी सर, तो एरे में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, इसी क्वेश्चन को वीवीए के थ्रू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, इन दोनों के बीच में कितने नंबर सैटरडे संडे है वो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मैं डेट डालू तो बता दे सेकेंड मंथ सेकेंड डेट सेकेंड सैटरडे का डेट क्या है और लास्ट सैटरडे का डेट क्या है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मुझे यहाँ पे वर्किंग आवर निकालना है कि मैं स्टार्ट किया इस तारीख के इतने बजे से, इस तारीख के इतने बजे से खत्म किया, इस तारीख को इतने बजे से। मेरी शिफ्ट 9 से 18 है तो मैं मंडे टू फ्राइडे, तो हमने कितना घंटा काम किया। क्वेश्चन नंबर फोर, इनको आपस में प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, जब टैक्स दिया हुआ है इसके बीच में डैश डालना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें से सिर्फ नंबर को अलग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव को दिया जी सर, ये रहा ना इस तरह से कंबाइन विथ डैश एवरी करेक्टर एस डैश डी एफ डैश वन डैश। क्वेश्चन नंबर सिक्स में नंबर निकाला, क्वेश्चन नंबर सेवन में हर थर्ड डेटा को सम करना है, इसको सम करना है, इसको सम करना है, इसको सम करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ये कितने यूनिक है और कितने डुप्लीकेट। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक कैलेंडर बनाना है, हम ईयर चेंज करें तो क्वेश्चन नंबर 11, मुझे यहाँ हर ऐसा फंक्शन बनाइए जो मेरा सब जो भी टाइप करूं तो उसकी लास्ट डेटा मुझे याद दे। क्वेश्चन नंबर 10 देगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये फाइल हम आपको भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, करके मुझे भेजिए। ए
एक दो दिन तो लगेगा ही सर, अब मंडे में ये होगा ना सर, होमवर्क करने में टाइम लगेगा। मंडे ठीक है, मैं भेज देता हूँ, ठीक है आपको, ठीक है सर।